आज की बात एक सवाल से शुरू करता हूँ, क्या कोई शिक्षक एक साथ 25 सरकारी स्कूलों में पढ़ा सकता है? क्या वही शिक्षक 1 करोड़ से ज़्यादा रुपए की तनख्वाह भी ले सकता है? सवाल थोड़ा हैरान करने वाला जरूर है, लेकिन एकदम सटीक और लाजमी है। उत्तर प्रदेश से एक ऐसा ही हैरत अंगेज मामला सामने आया है जिसमें एक ही शिक्षिका एक साथ 25 सरकारी स्कूलों में पढ़ाती रही, उसे इसके लिए 1 करोड़ से ज़्यादा रुपए की तनख्वाह भी मिल चुकी है। क्या है पूरा मामला विस्तार से बताता हूँ। नमस्ते, मेरा नाम आदित्य है, द रूरल प्रेस डॉट इन देख रहे हैं आप। उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग के तहत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय चलते हैं, यानी कि KGBV चलते हैं। एक टीचर का नाम है अनामिका शुक्ला। आरोप है कि इन्होंने राज्य के 25 कस्तूरबा स्कूलों में नौकरी की है। पिछले 13 महीने में उन्हें 1 करोड़ से ज़्यादा की सैलरी भी मिल चुकी है। बताया जा रहा है कि वो साइंस की टीचर हैं और मैनपुरी की ही रहने वाली है। पूरे मामले पर जांच शुरू कर दी गई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से डिजिटल डेटाबेस तैयार करने के दौरान ये जानकारी सामने आई है। इसमें पता चला कि एक ही नाम और एक ही फोटो के साथ ये टीचर अलग अलग जिलों के 25 स्कूलों में रजिस्टर्ड है। इन जिलों में प्रयागराज, अम्बेडकर नगर, बागपत और सहारनपुर जैसे कई नाम हैं। डिजिटल डेटाबेस के अटेंडेंस के बावजूद टीचर इस साल फरवरी तक करीब 1 करोड़ रुपए की सैलरी ले चुकी है। फिलहाल उसकी सैलरी रोक दी गई है और पता लगाया जा रहा है क्या उसने सैलरी एक ही बैंक अकाउंट का इस्तेमाल करते हुए ली है। कस्तूरबा गांधी विद्यालय में कॉन्ट्रैक्ट के तहत टीचरों की नियुक्ति होती है। करीब 30,000 रुपए महीने की सैलरी मिलती है। जिले के हर ब्लॉक में कस्तूरबा गांधी स्कूल में समाज के पिछड़े माने जाने वाले बच्चों यानी कि लड़कियों को हॉस्टल की सुविधा होती है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक स्कूली शिक्षा महानिदेशक विजय कुमार आनंद ने बताया कि जब से टीचर्स को प्रेरणा पोर्टल ऑनलाइन पर अपनी अटेंडेंस दर्ज करानी है तो कैसे एक टीचर अलग अलग जगहों से उपस्थिति दर्ज करा रहा है, हमने अधिकारियों को जांच के आदेश दिए हैं। वो आगे बताते हैं कि लॉकडाउन की वजह से उनके रिकॉर्ड्स का पता नहीं चल पाया है। मैंने 25 मई को अधिकारियों को रिमाइंडर भेजा था, अगर टीचर्स के बारे में जानकारी सही पाई गई तो सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने बताया कि अभी तक अनामिका की ओरिजिनल पोस्टिंग के बारे में किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं मिली है। शिकायत में दर्ज जिले से वेरीफाई कराया जा रहा है, अगर शिकायतें सही पाई गई तो FIR दर्ज कराई जाएगी। अनामिका शुक्ला फरवरी तक रायबरेली के कस्तूरबा गांधी स्कूल में कार्यरत पाई गई थी। इसके बाद मामला सामने आया। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक रायबरेली के बेसिक शिक्षा अधिकारी आनंद प्रकाश ने बताया कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत 6 जिलों को अनामिका शुक्ला नाम की टीचर के बारे में पत्र भेजा गया था। हालांकि रायबरेली का नाम इसमें नहीं था, लेकिन हमने एहतियातन तौर पर जांच कराई जिसमें पाया गया कि कस्तूरबा गांधी स्कूल में इस नाम की महिला काम कर रही थी। उन्होंने बताया कि उसे नोटिस भेजा गया है, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया है। उसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उच्च स्तर पर भेज दिए गए हैं। रायबरेली जिला के कोऑर्डिनेट बाल शिक्षा विभाग यानी कि अनिल त्रिपाठी ने बताया कि इस नाम की महिला स्कूल में थी, लेकिन उन्होंने कहां-कहां काम किया इसकी कोई जानकारी नहीं है। मीडिया से बातचीत में उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी ने कहा कि विभाग ने जांच के आदेश दिए हैं और आरोप सही पाए गए तो टीचर के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मंत्री जी कहते हैं कि हमारी सरकार जब से आई है डिजिटल डाटाबेस पारदर्शिता के लिए तैयार किया जा रहा है, अगर किसी भी अधिकारी को शामिल पाया गया तो कार्रवाई जरूर होगी। उन्होंने कहा कि कस्तूरबा गांधी स्कूल में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर नौकरियां दी जाती हैं, विभाग इस टीचर के बारे में तथ्यों की जांच कर रहा है। तो भारत है, भारत में कुछ भी होना मुमकिन है और कुछ भी हो सकता है। बहरहाल अगर आप हमारा वीडियो हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आप हमारा वीडियो हमारे Facebook पेज पर देख रहे हैं, Twitter पेज पर देख रहे हैं तो उसे फॉलो और लाइक भी कर दें। शुक्रिया।